नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के पूरे महीने जो व्रत रखते हैं और सावन में जो जितने केवल सोमवार का व्रत रखते हैं तो हमें क्या खानी चाहिए और सावन के महीने में क्या नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान हम क्या खाएं जो हेल्दी भी रहे और हमारे लिए सही भी रहे, तो इसी प्रकार के कई ऐसे बातें जानेंगे और साथ में जानेंगे कि मलमास में हमें कौन सा ऐसा एक कार्य जरूर करनी है। जितना दिन मलमास रहेगा, बीच में अधिक मास, उसमें हमें कौन सा एक कार्य सभी को करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग का जो दुविधा है वो दूर कर देती हूँ। देखिए, कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि दीदी, जैसे कि सावन आप लोग को मालूम ही है कि दो महीने का पड़ रहा है, ठीक है, 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक है और बीच में जो है अधिक मास पड़ रहा है, 15 दिन इधर सावन है और 15 दिन उधर सावन है और बीच में एक महीने का अधिक मास है, शुरू और लास्ट में सावन है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, फिर इसमें समझाना नहीं चाहती क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आप लोगों का सवाल है कि अगर हम केवल सावन का व्रत रखते हैं तो बीच का व्रत तो हमारा खंडित माना जाएगा अगर हम अधिक मास का नहीं रखते हैं तो। तो देखिए, अगर आपके मन में ऐसी दुविधा अगर उठ रही है तो आप 8 व्रत पढ़ रहे हैं सावन के, आप लोग पूरा कर सकते हैं। और 4 और 2 मैं किसके लिए बताई हूँ, जो कि नहीं रखना चाहते, मतलब उतना सक्षम नहीं है, शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, तो केवल सावन का भी कर सकते हैं, अधिक मास की रखने की जरूरत नहीं है। सावन का ही बहुत अधिक महत्व है रखना, क्योंकि सावन का अगर हम सोमवार व्रत रखते हैं ना, एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या पर किया हुआ दान बाकी दिनों के तुलना में बहुत, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कई गुना लाभ देता है, ठीक उसी प्रकार से सावन में किया हुआ सोमवार व्रत हमें पूरे साल सोमवार व्रत रखने का लाभ मिलता है। तो अच्छी से बातों को आप लोग समझिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि सावन का व्रत रखना कितना महत्वपूर्ण है। और उन लड़कियों के लिए है कि जो जिनकी शादी नहीं हो रही है वो तो पक्का सावन का सोमवार रखेंगी, जिनको अच्छे वर की मतलब चाहत है और चाहती हैं कि जल्द से जल्द हमारी मनोकामना पूर्ण हो, या जो लड़के हैं अच्छी बहू चाहते हैं, बीवी चाहते हैं, उनके लिए भी। तो आप लोग जरूर मतलब रखिएगा, सावन का सोमवार का व्रत रखना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो उनके लिए मैं बताई थी कि आप 4 भी रख सकते हैं, आप केवल शुरू और लास्ट का 2 भी रख सकते हैं, आपको उतना भी नहीं करने का समय है, नहीं उतना शारीरिक क्षमता है, तो आप केवल जो है पूजा करके भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और हो सके तो 8वां रखिए। अगर आपको लगता है कि बीच में हम व्रत नहीं छोड़ेंगे, खंडित हो जाएगा, तो आप पूरा रख सकते हैं, टोटल आपके ऊपर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा और आगे मैं बताती हूँ। तो ये सब महत्वपूर्ण नियम थे, वो पहले जान लीजिए। एक मास पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं शिव जी के साथ, तो उसमें आपको क्या करना है कि पूरे जितने दिन अधिक मास रह रहे हैं, जैसे 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक अधिक मास है, मैं सब बता चुकी हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे पीछे की भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, हर चीज डिटेल में बताई हूँ। तो उसमें आप जो है पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, रविवार का दिन छोड़कर बाकी दिन आप जरूर पीपल की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए और परिक्रमा 7 या 5 परिक्रमा लगाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। पूरे अधिक मास में बहुत अधिक सही माना जाता है, शुभ माना जाता है और सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, तो इस और विष्णु भगवान का खास तौर से माना जाता है। तो आप लोग है अधिक मास में उनको प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए, उनको जल से जरूर सींचिए, ठीक है, समझ में आ गया। और एक महत्वपूर्ण सवाल आप लोग पूछे हैं बार बार कि दीदी, पार्थिव शिवलिंग सुबह बनाएं कि हम शाम को बनाकर पूजा करें। तो देखिए, आप चाहे तो सुबह में भी पूजा कर सकते हैं, घर में बनाकर मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग की आप जो मतलब अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, अपना समय देख लीजिए कब आप फ्री हैं, कब आप करने
करना चाहते हैं उस समय, दोनों समय आप कभी भी कर सकते हैं जब आपके पास समय है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब तक आप लोग भगवान के ऊपर जल चढ़ा नहीं देते तब तक अपने मुख में किसी भी प्रकार का फलहार और जल का सेवन ना करें, ठीक है। आप शाम को भी पूजा अगर आपको करना है, प्रदोष काल में भी, जैसे शाम को बहुत सारे लोग शिव जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भी आप सुबह में अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करके ही तब मुख में चाय या पानी जल तक ग्रहण नहीं करते। जब तक हम भगवान का अभिषेक नहीं कर लेते, उनको जल अर्पित नहीं कर देते, तब तक हम नहीं करते। एकदम कंठस्थ हो गया, बिल्कुल मत भूलिएगा इस बात का, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें क्या भोजन करनी है और क्या नहीं करनी है। तो सावन मास में सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें क्या क्या नहीं खानी है। तो देखिए, 2 महीने का सावन का व्रत है जो कि अधिक मास के साथ है, आप लोगों को मालूम ही है। तो इसमें नया व्रत में 17 से पहले जितने आपको व्रत उठाने हैं उठा लीजिएगा, एक बार और बता दी, और उसके आगे हमें कोई नया व्रत नहीं उठानी है। जैसे 17 के बाद हमें कोई भी नया व्रत 2023 में नहीं उठानी है, बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी प्रकार का व्रत आप लोग शुरू ना करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सावन के महीने में मांस मछली तो खाना एकदम बंद कर दीजिए, घोर पाप लगेगा, क्योंकि एक जीव को मारकर और फिर उसके हत्या करके फिर हम अपने पेट में डालें और भरें तो वो बिल्कुल सही नहीं है। सावन में जो खाते हैं, देखिए उनको तो कोई मना ही नहीं कर सकता, वो किसी का सुनते भी नहीं है, तो कम से कम सावन में आप लोग को बचानी चाहिए, 2 महीने ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मांस मछली वगैरह का सेवन ना करें, मदिरा वगैरह ना पिए। अगली चीज़ क्या है कि लहसुन प्याज, हमें दुर्गंध वाली चीज़ें नहीं खानी है, जिससे कि हमारे घर में दुर्गंध आए, जो हमारे नाकों में मतलब उसका सुगंध मतलब महक जाए और स्मेल करे, वो सभी चीज़ें अपने रसोई घर से हमें हटा देनी है, बिल्कुल नहीं बनानी है। सब्जी में हमें क्या क्या नहीं खानी है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मूली, बैंगन, लहसुन प्याज तो मैं बता ही चुकी हूँ, और मसूर की दाल वगैरह हम नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साग वगैरह भी सावन में लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मान लीजिए जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, साग पात खाने के लिए पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, तो आप खा सकते हैं, मजबूरी है किसी चीज़ के लिए तो आप लोग कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है, अगर 1 महीने का व्रत रखते हैं तो उसमें कच्चा वाले नमक जो हम प्रतिदिन अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वो कच्चा नमक आप लोग ना खाएं, अगर व्रत रखते हैं तब, ठीक है, नहीं रखते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हमें सावन में सेवन नहीं करनी चाहिए, आप लिख कर रख लीजिएगा, लिस्ट बनाकर कि दिमाग से ध्यान से आपके निकले ना। तो आप लोग कम से कम बैंगन, मूली, इन सभी चीज़ों में मतलब कीड़े माने जाते हैं बैंगन में, और मूली तो आपको मालूम ही है कि शुद्ध नहीं मानी जाती है, ऐसे तो छठ माता को हम चढ़ाते हैं लेकिन सावन में नहीं खाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि पूरे हम सावन हमें क्या क्या खानी है। तो देखिए, जो 1 महीने का व्रत रखते हैं उन्हें तो नमक का सेवन करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि नियम तो है, जो 1 महीने का ही पहले पूरे सावन का रखते थे, तो अभी तो 1 महीने का व्रत है नहीं, अच्छे से समझ लीजिए 2 महीने का है, तो कैसे आप कुछ दिन करेंगे और कुछ दिन नहीं करेंगे, जो पूरे लगातार 1 महीने का रखते हैं। तो आप लोग जो है नमक का सेवन कीजिएगा, नहीं तो आपको कमजोरी हो जाएगी, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, तो आप लोग जो है फलहार कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने जो है बिना नमक वाला अनाज खाना मतलब भोजन करना आपके लिए सही नहीं है। 1 महीना चलो आप लोग कैसे भी मीठा भोजन पे कर लेते थे, अभी 2 महीने सबके बस का नहीं है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आप लोग सेंधा नमक का सेवन व्रत में कर सकते हैं, जो 1 महीने का व्रत रखते हैं उनके लिए बता दूँ। अगली चीज़ क्या है कि जो केवल सोमवार व्रत रखते हैं तो वो जो है आलू भी खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं आप लोग, जो देखिए सस्ता भी है टिकाऊ भी है। फलहार का मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं बता रही हूँ कि जो आप लोग को बहुत महंगा पड़ेगा, फल फ्रूट भी महंगा सावन में हो जाता है, सभी को मालूम है, तो टिकाऊ और हेल्दी खाना खाइए और सस्ती चीज़ें तो सबसे बढ़िया है, आलू, लौकी, साबूदाना, शकरकंद, ये सभी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं, फल फ्रूट मतलब जो ही फल मिल रहे हैं, ऋतु फल, दूध, दही, ये सभी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। और मसाले में जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च आपको नहीं खानी है, हरी मिर्च खा सकते हैं,
और जो रामदाना आता है वो भी खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। मसाले में हमें हल्दी नहीं खानी है, मेथी नहीं खानी है, धनिया ये सभी चीज़ें नहीं खाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे अच्छा क्या होता है, मूंगफली, फलाहार के लिए मूंगफली बहुत ही बेहतर है। उसको फ्राई करके, ड्राई फ्राई कर लीजिएगा, घी वगैरह ना डालें, उसका छिलका वगैरह चाहे तो छुड़ा के, और अच्छे से आप लोग एक डब्बे में रख लीजिएगा, साफ सुथरा धोया हुआ डब्बे में रख लीजिए। जब आप मंदिर से आते हैं तो सबसे पहले मूंगफली मुख में डालकर, प्रसाद भगवान का कुछ चढ़ाएं तो डाल लीजिए, मिश्री या आप जो चीनी गुड़ या कोई फल चढ़ाएं तो मुख में डालकर, और उसके बाद से आप लोग जल ग्रहण कीजिएगा। तो मूंगफली पहले मुख में डाल लीजिए और आप जो है एक ग्लास पानी, मूंगफली खाने से क्या होता है बहुत ज़्यादा हम पानी पी सकते हैं, नहीं तो पानी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और उसके बाद आप चाय वगैरह, अदरक आप लोग चाय डालकर में डालकर पी सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद से बहुत सारे लोग देखिए कहते हैं कि दूध नहीं खाते सावन में, तो देखिए इस जमाने में अभी इतना देखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि दूध जो है ना, पहले लोग कहते थे कि विषैला हो जाता है, गाय जो है भैंस जो है वो मतलब विषैले घास वगैरह खा लेती थी, इस वजह से दूध सावन में विषैला हो जाता है, साग पात हो जाता है, तो वो केवल शिव जी को चढ़ता था दूध। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप लोग जो है दूध पी सकते, नहीं तो हम तो कमजोर हो जाएंगे, हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे। तो दूध वगैरह आप लोग ले सकते, दही भी खा सकते, छाछ भी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। साबूदाने की आप लोग खिचड़ी बना सकते हैं, आलू डालकर, मूंगफली डालकर, टिक्की बना सकते हैं, मिर्च वगैरह मसाला जो बताई हूँ वो सब डालकर आलू के साथ मैश करके बना सकते हैं, शकरकंद दूध खा सकते हैं, केला दूध खा सकते हैं, यही सभी चीज़ें हम फलाहार में खाते हैं। कोशिश करें कि फलाहार पे ही आप सावन सोमवार का व्रत रखें, जो केवल सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन जो पूरे महीने का रखते हैं तो वो तो नहीं रह पाएंगे, तो आप एक समय मीठा भोजन कीजिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए, तो नियम तो है कि कोई भी व्रत मतलब सूर्यास्त से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मान लीजिए कई लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो कैसे करेंगे, तो आप जब समय आपको मिलता है रात में भी कर सकते हैं, घर में रहते हैं तो सूर्यास्त से पहले कर लीजिए, लेकिन बाहर जाती आती हैं महिलाएं जो बहुत सारे पुरुष भी रखते हैं, तो आप शाम को भी आकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके, आरती करके, कपूर दिखा के, इतना तो कर ही लीजिएगा, घर में भी कीजिएगा लेकिन कीजिएगा जरूर, और आप जो है अपना फलाहार कर सकते हैं। और मीठा भोजन में क्या खा सकते हैं, आप दूध रोटी खा सकते हैं, आप हलवा खा सकते हैं, साबूदाने का खीर खा सकते हैं, केला दूध, शकरकंद दूध, ये सभी चीज़ें भी खा सकते हैं, सेंधा नमक की सब्जी खा सकते हैं, रोटी पराठा खा सकते हैं, यही सभी चीज़ें खा सकते हैं, जिनको सेंधा नमक खानी है उनके लिए बता दी, ठीक है। और मीठा भोजन भी कई लोग खा के एक समय भोजन करके और तब सोमवार व्रत रखते हैं। और भोजन जो है आप घी में या सूर्यमुखी के तेल में या बादाम के तेल में, मूंगफली के तेल में आप बनाइएगा, सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल का सेवन ना करें। सारी बातें क्लियर हो गई। पूरे दिन देखिए व्रत का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन हम खा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दो टाइम और तीन टाइम फिक्स है ना, जब हमें भूख लगेगी, आपको फील होगा कि हमें भूख लगी तो आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं, कुछ ऐसा पाबंदी नहीं है। देखिए हम व्रत भी जितना श्रद्धा हमें शिव जी में है उतना तो रखनी ही है, साथ में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है और हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना बड़ा बड़ा त्याग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मन आपका चंगा है तो कठौती में गंगा है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।